पूरे विश्व में आज 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सबसे पहले 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्यों ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को चुना। हर साल योग दिवस अलग अलग थीम के साथ मनाया जाने लगा। साथ ही इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्लाइमेट एक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रांची के तारा मैदान में 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि योग हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और हमें इसके प्रसार के लिए आगे आना चाहिए। आप सभी को, पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देशवासियों को सुप्रभातम। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हजारों लोगों के साथ मेला ग्राउंड में आयोजित समारोह में योगासन किया। अमित शाह ने कहा, देश में 2014 में एक बड़ा परिवर्तन आया जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी की ही देन है कि आज योग को 200 देश अपना चुके हैं। वहीं फरीदाबाद में भी कई स्थानों पर लोगों ने अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सेक्टर 12 में जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग गुरु जयपाल शास्त्री ने लोगों को योग के विभिन्न क्रियाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ विधायक, जिला प्रशासनिक अधिकारी, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुषों सहित स्कूली बच्चों ने भी योगाभ्यास किया। देखिए, आज पूरी दुनिया में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरी दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और 21 जून पूरी दुनिया के में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाई जाती है। और आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 के विशाल ग्राउंड में विशाल योगा दिवस योगा का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। तो आज मैं समझता हूँ, अगर लोग नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा योग को बना लेंगे तो अनेक तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके साथ ही स्लेजहैमर ऑयल टूल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में कंपनी के पूरे स्टाफ ने एक साथ योग किया। योग क्रियाओं की शुरुआत गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ हुई। भारतीय योग संस्थान के सदस्यों ने योग के विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी दी और उनसे होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। कंपनी में पिछले 3 सालों से योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रवीण मोहंती ने भारतीय योग संस्थान के सभी सदस्यों को फूलों का गुलदस्ता व स्मृति चिन्ह भेंट किया। जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा सब लोगों को। यहाँ पे बहुत आए हैं, भीड़ हमारी पूरे ऑफिस यहाँ पे आया है योग करने के लिए। जी हाँ, ये पिछले 3 सालों से हम हर साल मना रहे हैं और हमारा इसके पीछे मकसद है कि जितनी सारी हमारी जो एम्प्लॉई है और जितने सारे हमारे वर्कर्स हैं और हमारे सहकर्मी मैं कहूँगा जो हैं, उनके अंदर ऊर्जा रहे, वो खुश रहें, उनके जीवन में खुशी और शांति आए, यही मकसद है। गुरुग्राम में भी अलग अलग जगह पर योग दिवस मनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह और विधायक उमेश अग्रवाल भी योग दिवस पर पहुंचे। इस दौरान कई सामाजिक संगठन के साथ भारी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चे उपस्थित थे। करीब 15,000 लोगों ने एक साथ योग किया।